डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए डिप्रेशन को, क्यों होता है आखिर ये डिप्रेशन और इलाज क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो अक्सर ये सवाल आता है लोगों के मन में कि डिप्रेशन को पहचाने कैसे। कभी कभार उदासी तो हर व्यक्ति को होती है, किसी भी इंसान को हो सकती है, तो कैसे उस नॉर्मल उदासी को डिप्रेशन से अलग किया जाए। और एक बहुत ही जायज़ सवाल है, क्योंकि अगर अगर कुछ हुआ लाइफ में और आप एक आध दिन के लिए दुखी हो गए तो उसको डिप्रेशन बोलना सही नहीं है। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कि यार आज मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, आज बड़ा ही मन ख़राब है, बट वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन को पहचानने के लिए उसके सिम्टम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे सिग्निफिकेंट सिम्टम जो होता है डिप्रेशन का, वो होता है डिप्रेस्ड मूड या फिर मन की उदासी। अब ये जो मन की उदासी डिप्रेशन में होती है, ये इसके बारे में हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं। एक तो हम बोलते हैं कि ये परसिस्टेंट होती है और एक ये हम बोलते हैं कि ये परवेजिव होती है। परसिस्टेंट मतलब डिप्रेशन की उदासी आमतौर पे दिन भर रहेगी, हमेशा रहेगी, परसिस्ट करेगी। लोग बोलेंगे कि यार दिन भर मन खराब ही रहता है। ऐसा हो सकता है कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। कुछ लोगों में होता है कि सुबह उठने के बाद मन बहुत ख़राब होता है, बहुत उदासी सी होती है, शाम तक थोड़ा बेटर फील करते हैं, लेकिन अमूमन मोर और लेस पूरा दिन मन दुखी ही रहता है। और डिप्रेशन की जो उदासी होती है वो नॉर्मल उदासी से ज़्यादा इंटेंस होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि इतनी उदासी फील हो रही है, इतना मन ख़राब फील हो रहा है कि ऑलमोस्ट पेनफुल है, ये दर्द सा फील हो रहा है, इतनी ज़्यादा मन ख़राब फील हो रहा है। कई बार लोग बोलते हैं कि एकदम खालीपन का मैं फीलिंग आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत खालीपन है लाइफ में। तो ये जो चीज़ है, ये डिप्रेशन की उदासी को एक नॉर्मल कभी कभार की उदासी से अलग करती है कि ये हमेशा रहती है, ऑलमोस्ट हमेशा रहती है। और चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप गेम खेल रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप बाहर घूमने गए हैं, ये उदासी आपके साथ रहती है। आप हर डोमेन में लाइफ में कुछ भी करें, आप खराबी फील कर रहे होते हैं। तो ये तो रहा पहला सिम्टम की मन की उदासी। उसके अलावा होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। लोग कहते हैं कि पहले बाहर जाने में अच्छा लगता था, पहले लोगों से बात करने में अच्छा लगता था, अब वो सब अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि दिन भर बस बैठे रहते हैं, मोबाइल पे वीडियो देखते रहते हैं, मोबाइल पे टाइम पास करते रहते हैं, लेकिन कुछ इन्जॉयमेंट नहीं होता। कई बार लोग दिन भर बैठ के नेट पे मूवीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कुछ अमेज़ॉन प्राइम देख रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू इन्जॉय इट। किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा होता है, हर चीज़ में इंटरेस्ट का लॉस हो चुका होता है। अगर प्रोफेशनल फ्रंट पर बात की जाए तो लोग बोलते हैं कि काम में मन नहीं लगता है, या अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो बोलेंगे कि पढ़ाई में बिल्कुल मन लगता ही नहीं है, इंटरेस्ट पूरा ख़त्म सा हो गया है। और इसके साथ साथ फीलिंग आती है गिल्ट की, जिसको हम तीसरा सिम्टम कहते हैं, कि मन में हमेशा गिल्ट सी रहती है। आदमी अपने आप को कोसता रहता है कि यार मैं खराब कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, हमेशा जिसको ग्लानी बोलते हैं हिंदी में, उसको हमेशा से गिल्ट फील होता रहता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, चौथा सिम्टम जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। इंसान को बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती है, उसको हमेशा थकान सी रहती है, हल्का सा भी काम कर ले तो थकान हो जाती है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। कई बार अगर सिम्टम्स ज़्यादा बढ़े हैं तो मतलब बेड से उठ के बाहर निकलना, ड्राइंग रूम तक जाना, वो भी मुश्किल लगने लगता है। आदमी बस दिन भर बिस्तर पड़ा रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। पांचवा सिम्टम आता है कंसंट्रेशन का, किसी भी चीज़ में इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं लगा पाता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो ध्यान लगा के पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ध्यान यहाँ से वहाँ भटकेगा। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो जॉब पे ध्यान नहीं लगा पाएगा, कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में मन नहीं लगेगा। तो कंसंट्रेशन जो है, फोकस जो है, वो ख़राब होने लगता है। और इसके साथ ही आते हैं नेगेटिव थॉट्स। डिप्रेशन में टिपिकली हम कहते हैं कि मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और ऑटोमेटिकली आते हैं। नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में आ सकते हैं, जैसे इंसान के मन में थॉट आते हैं कि मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं कि लाइफ ऐसे ही रहने वाली है, लाइफ में कोई स्कोप नहीं है, लाइफ मेरे फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं है। और कई बार बाकियों के लिए भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि फ्यूचर में कोई उम्मीद ही नहीं है, चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती, तो ऐसा व्यक्ति फिर एक तरीके से हार मानने लगता है लाइफ से, और इस थॉट के साथ कई बार सुसाइड का चांस बढ़ने लगता है। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो मन में आते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन में एक और चीज़ देखी गई है, ना ही सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं,
जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो इंसान को दिखाई देना बंद हो जाती हैं एक तरीके से। कई बार हम बोलते हैं कि ऐसा आँखों पे ऐसा काला चश्मा सा पड़ जाता है जो सिर्फ काली चीज़ों को अंदर आने देता है, नेगेटिव चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ होगी तो इंसान का मन उसको देखेगा ही नहीं। तो ये नेक्स्ट सिम्टम होता है डिप्रेशन का। उसके बाद सिम्टम्स आते हैं भूख के और नींद के। जो भूख होती है वो आमतौर पर कम हो जाती है, लोगों का वेट लॉस भी हो सकता है, कुछ केसेस में भूख बढ़ भी सकती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, और वेट गेन भी हो सकता है। स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्लीप के सिम्टम अक्सर मिलते हैं डिप्रेशन में। आमतौर पे नींद कम हो जाती है, कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं कि इंसान बिस्तर पे जाता है, बेड पे लेटता है, लेकिन मन में थॉट्स चलते रहते हैं, नींद ही नहीं आती है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नींद आ तो जाती है लेकिन नींद बीच रात में टूट जाती है और फिर वापस नींद नहीं आती। और कई सारे लोगों में सवेरे सुबह के टाइम पे नींद टूट जाती है। मान लीजिए वो नॉर्मली 7 बजे सो के उठते हैं तो अब क्या होगा, 5 बजे से भी पहले नींद खुल जाएगी और फिर वो बिस्तर पर पड़े रहेंगे और मन में बस नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे सिम्टम हर इंसान में होंगे, कुछ लोगों में कुछ सिम्टम मिलेंगे, कुछ में कुछ सिम्टम मिलेंगे, बट इसमें से मैक्सिमम सिम्टम या सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिम्टम्स डिप्रेस पेशेंट्स में पाए जाते हैं। अब ये भी है कि अगर ये सारे सिम्टम भी एक दिन के लिए इंसान के मन में आ जाएं तो वो भी डिप्रेशन नहीं कहलाएगा। ये सारे सिम्टम्स या फिर इसमें से सिम्टम्स जो कुछ सिम्टम्स कम से कम 14 दिन तक, 2 हफ्ते तक रहें, उसके बाद ही हम बोलते हैं कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन है, उसके पहले हम इसको क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं कहते। तो इन लक्षणों के बेसिस पे डिप्रेशन को पहचाना जाता है, उसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर डिप्रेशन होता क्यों है। देखिए, पहली बात ये है कि हर इंसान में डिप्रेशन होने की संभावना एक सी नहीं है। जेनेटिक्स जो होते हैं, जो जीन्स होते हैं हमारे अंदर, उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट ऐसा पाया गया है कि मान लीजिए कोई एक पेशेंट है डिप्रेशन का, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें डिप्रेशन होने की संभावना 3 गुना ज़्यादा होती है एक ऐसे इंसानी कंपैरिजन में जिसके फैमिली में किसी को डिप्रेशन नहीं है। तो यदि किसी व्यक्ति की फैमिली में डिप्रेशन है तो डिप्रेशन होने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है बाकी फैमिली मेम्बर्स को। क्यों? क्योंकि जीन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं फैमिली मेम्बर्स में। और अब साइंस आगे बढ़ गया है, अब तो हम जीन्स के अंदर पहुंचने लगे कि कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं। अब कुछ सालों पहले तक ये पता नहीं था कि कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं, बट अब रिसर्च ये बता रही है कि कई पर्टिकुलर जीन्स को ढूंढा जा चुका है। एक एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन। तो ये सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन जो होता है ये कई तरीके का होता है। तो ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों में जो पर्टिकुलर टाइप है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन का, उसके होने से डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इसको समझिए कि मतलब एक जीन के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति में डिप्रेशन होने के चांसेस कम है या ज़्यादा। तो ये तो ही जेनेटिक्स की बात। इसके बाद आती है बात स्ट्रेसर की। अक्सर देखा गया कि जो पहली बार डिप्रेशन का एपिसोड होता है वो किसी स्ट्रेसर के बाद होता है। स्ट्रेसर मतलब जॉब चली गई, रिलेशनशिप में दिक्कत हो गई, मान लीजिए डिवोर्स हो गया, मान लीजिए फाइनेंशियल लॉस हो गया, इस प्रकार के जो स्ट्रेसर्स हैं वो कई बार डिप्रेशन के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार तो स्ट्रेसर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब लाइफ में कुछ ख़राब घटना घटी उसके बाद डिप्रेशन होने का होता है। बट जैसे जैसे आदमी को डिप्रेशन के एपिसोड होते जाते हैं, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, वैसे वैसे स्ट्रेसर की ज़रूरत नहीं बचती डिप्रेसिव एपिसोड करवाने में। मतलब बिना किसी कारण के भी लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं या डिप्रेसिव एपिसोड डेवलप होने लगता है। इसीलिए अब अक्सर ना लोग ये बात बोलते हैं कि यार मुझे किस बात का डिप्रेशन है, मेरी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो डिप्रेशन का एपिसोड नहीं हो सकता। हालांकि स्ट्रेसर के साथ होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन बिना किसी वजह के भी डिप्रेशन का एपिसोड हो सकता है। ये तो वही बात है कि मान लो कोई बोले कि यार मेरी तो लाइफ में सब कुछ ठीक है, मेरा बीपी कैसे बढ़ गया, मेरी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, मेरा शुगर कैसे बढ़ गया। अब आमतौर पर अगर आप हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक से खाते हैं, तो बीपी शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ तो सकता ही है, बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। वैसे ही डिप्रेशन भी है, किसी को भी हो सकता है। एक बात मैं इसमें और बोलूँगा, कई लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रांग इंसान हूँ, मैं तो बहुत समझदार इंसान हूँ, मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता। या अपने परिवार वालों के लिए बोलते हैं कि ये तो बहुत स्ट्रांग आदमी है, इसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, डिप्रेशन मुझे भी हो सकता है। मैंने साइकेट्री की बहुत किताबें पढ़ रखी हैं, मैं डिप्रेशन के बारे में बहुत बातें करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान हो गया हूं। मुझे भी डिप्रेशन होने की संभावना है, वो एक बीमारी है तो किसी को भी हो सकती है। जैसे कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट, एक कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक पड़ सकता है, वैसे ही एक साइकेट्रिस्ट को और साइकोलॉजिस्ट को डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये एक बीमारी और हम में से किसी को भी हो सकती है।
अब देखते हैं कि होता क्या है। जैसे कि रिसर्च आगे बढ़ता जा रहा है, अब हमें पता है कि ब्रेन में होता क्या है जब किसी को डिप्रेशन होता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, जो कि कई बार स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ऐसा पाया गया कि लगभग 50% लोगों में डिप्रेशन में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल सिक्रीट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। यही नहीं, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं डॉर्सो लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वाला वो पार्ट है जो कि आपको काम करने में मोटिवेशन, काम करने की एनर्जी, ये सब चीज़ें करता है। ऐसा पाया गया है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में इस पार्ट में ब्रेन के ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। यही नहीं, कई सारे ब्रेन के और स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि या तो फंक्शनिंग खराब हो जाती है या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं। और इन सब के साथ केमिकल चेंजेस, आप लोगों ने सुना ही होगा कि तीन केमिकल के बारे में हम बात करते हैं कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है डिप्रेशन के लक्षणों में। और ये तीनों और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं वो इन्हीं केमिकल्स को टारगेट करती हैं, इन केमिकल्स के लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग डिप्रेशन को ऐसे ले लेते हैं कि कुछ नहीं है। अब आपने सुना होगा कि आमतौर पर कोई ना कोई आके बोल ही देता है कि ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता, खुश रहना चाहिए। देखिए, डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है। ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ब्लड फ्लो चेंजेस हो रहे हैं। इसीलिए ये बात मानना ज़रूरी है कि अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है तो वो एक सिग्निफिकेंट चीज़ है और सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, स्पेशली ब्रेन में। अब ये तो रही बायोलॉजी की बात, ब्रेन में क्या हो रहा है। साथ साथ में हम लोग कई बार डिप्रेशन में साइकोलॉजिकल थ्योरीज की भी बात करते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी सबसे फेमस थ्योरी मानी जाती है। अब ये पाया गया कि डिप्रेशन के व्यक्ति में ना, जैसे मैंने अभी बात किया सिम्टम्स में, लगातार नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, जिसको हम कई बार बोलते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। व्यक्ति नॉर्मली कुछ भी कर रहा है और सडनली कुछ नेगेटिव थॉट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है जो कि बैठ के कुछ पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते मान लो वो एक लाइन पढ़ा और उसको समझ नहीं आया, एकदम से एक थॉट आएगा कि तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला, तेरा ब्रेन तो कमज़ोर हो चुका है, तुम्हारा दिमाग तो काम ही नहीं करता है, तुम तो पास हो ही नहीं सकते, बाकी लोग दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हें तो कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, तुमसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। आप सोचिए, ये जो एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स हैं, ये एक एक तरीके से ना वो तीर चल रहा है जो कि आपके दिमाग पे बार बार आके लग रहा है। और इतने सारे नेगेटिव थॉट्स के बाद इंसान का इमोशनल स्टेट क्या होगा? अगर किसी के मन में भी इतने नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो क्या होगा, उसका मूड जो था वो एकदम से उदास हो जाएगा। ये जो थॉट्स हैं ये आपके मूड को एकदम से उदास कर देते हैं और उदास हो जाते हैं, और फिर आप बिहेवियर क्या करेंगे, आमतौर पर आप किताब को हट रख के हट जाएंगे। ये जो थॉट्स हैं ये ना ही आपको उदास कर रहे हैं बट आपको पढ़ने से भी रोकते हैं। तो डिप्रेशन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, ये अक्सर सिम्टम्स को मेंटेन करने का काम करते हैं, सिम्टम्स को कई बार बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति जिस तरीके से दुनिया को देखता है, जो जिस तरीके से सोच आती है, वो ही गलत हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी बोला, पॉजिटिव चीज़ों को तो दिमाग अंदर घुसने ही नहीं देता और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों में घुसने देता है। अगर डिप्रेशन के मरीज की कोई तारीफ कर देगा ना, तो व्यक्ति के दिमाग में थॉट आएगा कि ये तो ऐसे ही बोल के चला गया, मेरा मन रखने के लिए बोल दिया, या फिर ये भी ख्याल आ सकता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा था, मेरे में तो तारीफ लायक कुछ है ही नहीं। पॉजिटिव चीज़ को दिमाग एकदम हटा देता है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ दिमाग के अंदर आ पाती है। तो इस तरीके से डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं और बढ़ते हैं। अब बारी आती है इलाज की, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। देखिए, अक्सर लोग बोलते हैं कि सुबह टाइम पे उठना शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, और ये सारी बातें सही भी हैं। एक एक रेगुलर एक्सरसाइज का स्कीड्यूल हेल्प करता है, एक रेगुलर डे का स्कीड्यूल हेल्प करता है, अच्छा खाना भी कुछ हद तक हेल्प करता है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर सिम्टम बहुत माइल्ड हैं या फिर बस शुरुआती तौर पर हैं तो वहाँ पर उतना हेल्प करके उसको ठीक कर पाती हैं। अगर सिम्टम्स सिग्निफिकेंट हैं या फिर काफ़ी समय से चल रहे हैं तो सिर्फ खाना पीना चेंज करने या एक्सरसाइज करने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी, हालांकि फ़ायदा फिर भी होगा। तो दो स्टैंडर्ड तरीके हैं ट्रीटमेंट के। पहला होता है मेडिकेशंस, जिसको हम बोलते हैं फार्मेकोथेरेपी, और दूसरा होता है काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं साइकोथेरेपी। अब फार्मेकोथेरेपी यानी कि दवाइयाँ, तो दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है, और कारण ये है कि ये दवाइयाँ बेसिकली जो ब्रेन में तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम बात करते हैं, सेरोटोनिन मेनली और बाकी नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, इनके लेवल्स को इंक्रीज करने का काम करती हैं। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि इस दवाई को आपने खाया तो इस दवाई में सेरोटोनिन बन के आ गया आपके शरीर में। ये दवाइयाँ करती क्या हैं, मान लीजिए हमने एक सेरोटोनिन वाली दवाई दी, जो सबसे कॉमनली जैसे जो दवाई दी जाती है उसको हम बोलते हैं SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर।
तो बेसिकली ये दवाई करती क्या है कि आपके ब्रेन में जो ओरिजिनल या नेचुरल सेरोटोनिन बन रहा है वो बनता है और कुछ टाइम बाद बॉडी उसको तोड़ देती है या रीअपटेक कर लेती है। तो ये दवाई उसको तोड़ने से रोकती है, रीअपटेक से रोकती है, ताकि जो नेचुरल चीज़ बनी है वो बनी रहे, वो ख़त्म ना हो पाए। और अगर किसी चीज़ को आप तोड़ने से रोकेंगे तो धीरे धीरे उसके लेवल्स बढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से दवाइयाँ काम करती हैं, जिनको हम बोलते हैं SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और भी दवाइयाँ हैं, SNRIs हैं, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि सेरोटोनिन को तो बढ़ाती ही बढ़ाती हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को भी बढ़ाती हैं। तो ये दवाइयाँ जो भी साइकेट्रिस्ट आपके हैं वो आपकी एज देख के, आपके सिम्टम्स देख के, साइड इफेक्ट प्रोफाइल देख के, ये सब को देख के लिखते हैं। कई बार पेशेंट्स हमें बोलते हैं, कोई वीडियो के नीचे कमेंट डाल देते हैं कि दवाई का नाम तो बताया नहीं आपने। देखिए, दवाई का नाम ना तो मैं बता सकता हूँ और ना ही मुझे बताना चाहिए, और ना ही कभी कोई बताए तो आपको उसको सुनना चाहिए। इस तरीके से वीडियो देख के दवाई कभी नहीं शुरू करनी चाहिए। दवाई आपको देख के, आपके पर्टिकुलर सिम्टम्स के बेसिस पे, आपकी पर्टिकुलर हिस्ट्री के बेसिस में चूज़ की जाती है। ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन ए आए तो मैं उसको कोई दवाई लिखूं, और एक पर्सन बी आए तो मैं उसको दूसरी दवाई लिखूं। चाहे दोनों को डिप्रेशन है, बट दवाई अलग अलग हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन और उसके सिम्टम। तो एक सिंगल दवाई नहीं है जो कि लिख दीजिए और सब पे काम कर ले करे, वो डिपेंड करता है सिम्टम्स के ऊपर, बाकी सारे काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर, साइड इफेक्ट प्रोफाइल के ऊपर। दूसरी चीज़, दवाइयों के बारे में हमने देखा है कि पेशेंट्स कई बार नींद की गोली तो ले लेते हैं, खुद से ही लेने लगते हैं। हमारे पास जब तक पेशेंट्स आते हैं तो वो कभी चाची की, मामी की, मम्मी की, पापा की, किसी की दवाई खुद से खा रहे होते हैं, और वो नींद की गोली खाने में कंफर्टेबल रहते हैं, बट जब डिप्रेशन की दवाई देने की बात आती है तो वो डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब होना उल्टा चाहिए, नींद की जो गोलियां हैं स्पेशली जिसको हम बेंजोडाइजेपिन्स कहते हैं, उनकी आदत पड़ सकती है बाद में जाके, उसको खाने से आमतौर पर परहेज़ करना चाहिए, और जब खाएं तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए खाना चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं उनमें आमतौर पर आदत पड़ी नहीं सकती है, इनफैक्ट उनकी कोई आदत नहीं पड़ती है। एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ ये है कि आप उनको सडनली बंद नहीं कर सकते, आप स्टार्ट भी धीरे धीरे करके करते हैं, बंद भी धीरे धीरे करके करते हैं, लेकिन वो एडिक्टिव दवाइयाँ होती ही नहीं हैं, बट लोगों के मन में रहता है कि ये एडिक्टिव दवाइयाँ हैं और वो डरते रहते हैं। तो ये एक गलत चीज़ है, साइंस के खिलाफ है, एंटी डिप्रेसेंट्स एडिक्टिव नहीं होती हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाना, या फिर कई बार थोड़ा सा उल्टी की फीलिंग से हो जाना, या फिर कुछ लोगों में नींद की फीलिंग आ जाना। ये सब चीज़ें आसानी से डोज एडजस्ट करके ठीक की जा सकती हैं। मान लीजिए ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत हो रही है तो कई बार एसिडिटी की गोली शुरुआत में पहले हफ्ते खा ली जाती है, और ये सब चीज़ें यूजुअली कंट्रोल हो जाती हैं। साइड इफेक्ट्स हो तो सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स कोई ऐसे बहुत सीवियर नहीं होते हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि किसी डॉक्टर ने दवाई लिखी, पहला काम किया गूगल पे गए, दवाई का नाम डाला और उसके साइड इफेक्ट्स ढूंढ लिए, वो लंबी सी लिस्ट आ जाती है। अब लोग लिस्ट तो देख लेते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि उन जो साइड इफेक्ट्स को वो देख रहे हैं उनके होने के चांसेस क्या हैं। अगर कोई एक साइड इफेक्ट होने के चांसेस लाखों में एक हैं तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो वही बात है कि मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे और मेरे सिर के ऊपर एक पंखा पड़ा हुआ है, और मैं जाके नेट पे पढ़ लूँ कि पंखे से क्या क्या हो सकता है, और उसमें लिखा जाए कि पंखा सिर पे गिर सकता है, तो मैं बोलूँ यार पंखा तो सिर पे गिर सकता है, मैं तो उसके नीचे बैठूंगा ही नहीं। अब गिरने को गिर तो सकता ही है, लेकिन चांसेस क्या हैं, आमतौर पर तो नहीं गिरता। तो हमें तो वो करना पड़ेगा जो कि आमतौर पर होता है। अगर वो दुनिया में कहीं किसी के सिर पर पंखा गिरा है और उसको लेके मैं बैठ जाऊँ कि यार मैं तो पंखे पर बैठूंगा ही नहीं नीचे, तो ये समझदारी नहीं है। वैसे ही साइड इफेक्ट्स के बारे में आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि भाई कौन सा साइड इफेक्ट हो सकता है, वो आपको बताएंगे कि ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं और इसके लिए आपको ये करना है। तो गलत थॉट के बेसिस पे मना कर देना ठीक नहीं है। और मैं आपको एक और बात बोलता हूँ साइड इफेक्ट्स की, यहाँ तक बात है, आप किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट गूगल कर लीजिए, आप एक सिंपल सी पैरासीटामोल जिसको हम लोग ऐसे ही खा जाते हैं उसका भी साइड इफेक्ट प्रोफाइल देख लीजिए, वही लंबी लिस्ट निकल के आती है। तो हम लोगों को जो लाइकली चीज़ें हैं उसको दिमाग में रखना है, जो लाखों में करोड़ों में एक होती है उसको लेके परेशान नहीं होना है। तो अब देखिए, ऐसा पाया गया है कि अगर डिप्रेशन का इलाज ना किया जाए तो एक एपिसोड कम से कम 6 महीने से लेके 13 महीने तक चलता है, और वही उसका इलाज कर लिया जाए तो वो 3 महीने के अंदर ख़त्म हो सकता है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि डिप्रेशन को पाँव जमाने का मौका नहीं देना है, जितनी जल्दी हो सके डिप्रेशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ में वापस जाना है। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो खुद से बाहर आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन उस दौरान आप अपना जो टाइम वेस्ट करेंगे, आप जो एक नॉर्मल लाइफ से बाहर हट जाएंगे उसका क्या। तो ये चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। एक और बात होती है कि डिप्रेशन की दवाई शुरू हो गई तो भाई अब ज़िंदगी भर चलती रहेगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आमतौर पर बोला जाता है कि अगर किसी को पहली बार डिप्रेशन का एपिसोड हुआ है तो 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट काफ़ी है, उसके बाद दवाई बंद कर दी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अगर एक बार एपिसोड हो गया तो दूसरी बार होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, दूसरी बार हो गया तो तीसरी बार और बढ़ जाते हैं, हर एपिसोड के साथ और एपिसोड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एपिसोड्स को होने से रोका जाए। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट या फिर जो हमारा एक रेजीम है ट्रीटमेंट का, उसको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है ताकि फिर से एपिसोड हो ना पाए। देखा यह जाता है क्लिनिकली कि लोग दवाई शुरू करते हैं, इम्प्रूव भी हो जाते हैं, बट फिर वही सब मन में बात आने लगते हैं कि यार कुछ हो तो नहीं जाएगा, और इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा होते ही दवाई बंद कर देते हैं बिना कोर्स पूरा किए। उसमें होता क्या है, सिम्टम फिर वापस आ जाता है, वापस सिम्टम आ जाता है तो और मन में डरा जाता है कि ये दवाई की आदत पड़ गई है, दवाई बंद करते ही दिक्कत वापस आ गई। अरे अगर आपने कोर्स पूरा किया ही नहीं, अपने आप से एक दिन दवाई बंद कर दी तो दवाई तो सिम्टम्स वापस आ ही जाएंगे। इसलिए प्रॉपर कोर्स करिए, ग्रेजुअली दवाइयाँ कम कम डोज करके बंद की जाती हैं, ऐसे ही ना तो स्टार्ट करा जाता है ना ही बंद किया जाता है। दवाइयों के अलावा बात करें साइकोथेरेपी की, तो साइकोथेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आमतौर पे लेमेन टर्म्स में हम काउंसलिंग कह देते हैं। और आजकल जो काउंसलिंग की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, वहाँ से शुरुआत की जाती है थेरेपी में, कि इन थॉट्स को पहचानिए, आपके में जो नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको पहचानिए, और पहचानने के बाद उसको आप काउंटर करने का कोशिश करिए, आप उसको चैलेंज करने की कोशिश करिए। अगर मन में ख्याल आ गया कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो अपने आप को बोलना पड़ेगा कि भाई एक लाइन ना पढ़ पाने का मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं ज़िंदगी भर पास होता आया हूं और अभी कुछ दिनों से दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल ही हो जाऊंगा। तो ये बेसिक थेरेपी में आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना सीखते हैं, और जैसे जैसे थेरेपी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आप इंप्रूव होते हैं, उसके बाद जो आपके सोच में गलती होती है जिसको हम कॉग्निटिव एरर्स कहते हैं, उसको पहचान के ठीक किया जाता है। तो आमतौर पर थेरेपी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और कई सारे साइकियाट्रिस्ट भी थेरेपी करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो थेरेपी भी काम करती है, दवाइयाँ भी काम करती है, आमतौर पर बेस्ट रिजल्ट आते हैं कॉम्बिनेशन से। दवाइयाँ और थेरेपी को अगर आप मिला दें तो आपके रिजल्ट जल्दी आते हैं। स्टार्टिंग में दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा काम कर जाती हैं सिम्टम्स कम करने में, और फिर थेरेपी को ऐड कर दिया जाए तो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट रहता है। तो बेटर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन लीजिए, बट कई सारे लोगों में थेरेपी से इतना इंप्रूवमेंट आ जाता है कि दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, और कई लोगों में उल्टा भी होता है, दवाई से इतना इंप्रूवमेंट आ जाता है कि थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती, बट मोस्ट केसेस में अ कॉम्बिनेशन इज व्हाट वर्क्स द बेस्ट। अब आजकल और नए तरीके आ गए हैं ट्रीटमेंट के, एक नया मेथड आया जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, RTMS। तो जैसे मैंने बताया था आपको, ब्रेन का एक हिस्सा है जिसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उसी के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके थोड़ा सा ब्रेन को स्टिमुलेट करने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक नई तरीका है थेरेपी का, ट्रीटमेंट का, लेकिन आमतौर पर इसको शुरुआत में यूज़ नहीं किया जाता है। जो अभी गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि अगर आपका डिप्रेशन रेजिस्टेंट है, ठीक नहीं हो रहा है, सिर्फ तभी जाके आप इस मैग्नेटिक थेरेपी का इस्तेमाल करें। एक और तरीका है जिसको आप लोगों ने शायद सुना होगा या फिर टीवी में देखा होगा, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो शॉक ट्रीटमेंट होता है। तो टीवी में तो और पिक्चरों में तो उसको बहुत ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा होता है कि पूरा आदमी कांप रहा हो, पूरा दौरे पड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है आजकल। वो वाला तरीका आजकल रेयरली यूज़ किया जाता है, सिर्फ ऐसे केसेस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे पेशेंट को सुसाइड के थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमें जल्दी रिजल्ट की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि पिक्चरों में और टीवी में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के बाद आदमी एकदम बर्बाद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि आजकल यूज़ नहीं करते हैं उसको, रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ ही इतनी अच्छी आ गई हैं, थेरेपी का सेशन इतने अच्छे होने लगे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कुछ सीवियर केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में उसको भी यूज़ करते हैं, नॉर्मली नहीं, बट आजकल जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स है वहीं पर ये वाला ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। अब लास्ट में देखिए, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं वो दवाई लेने पे मल्टीपल वजहों से रुकते रहते हैं। कभी कोई घर वाला कोई कमेंट मार देता है कि यार कब तक दवाई खाते रहोगे, ये क्या तरीका है, खुद से करो। अब देखिए, बड़ी दुख की बात है, ये वाला कमेंट और किसी को नहीं सुनना पड़ता। वो जो जिसका थायराइड की दिक्कत है, जो थायराइड की गोली ज़िंदगी भर खाएगा, उसको कोई नहीं बोलता कि ये कब क्यों खाते रहो, कब तक खाते रहोगे। जिसको शुगर की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, उसको कोई नहीं बोलता कि कब तक खाते रहोगे। बट डिप्रेशन के मरीज़ को कई बार ऐसा एहसास कराया जाता है कि वो दवाई नहीं खा रहा हो, जैसे कि कोई गलत काम कर रहा हो, जैसे कि कोई ड्रग्स ले रहा हो। वो ड्रग्स नहीं है भाई, एक दवाई है, ठीक होने का प्रयास है। और मैं एक बात आजकल बोलता हूँ लोगों से कि अगर आपके घर वाले नहीं भी समझ रहे हैं आपकी परेशानी को,
हालांकि हर परिवार वाला आपका अच्छा ही चाहता है, लेकिन कई बार नहीं समझ आ रहा होता है। अगर उनको नहीं भी समझ आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। देखिए, डिप्रेशन की वजह से जब लाइफ रुक जाती है, करियर ख़राब हो जाता है, रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, तो इसका पूरा खामियाजा इंसान को खुद ही भोग करना पड़ता है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है आपकी परेशानी को, तो फिर आपका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को ठीक करने की, चाहे कोई कुछ भी बोले, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की और इससे बाहर निकलने की। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। डिप्रेशन एक बहुत कॉमन चीज़ है, हर पांचवें छठे आदमी को कभी ना कभी लाइफ में होती ही होती है, और किसी को भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला, साइकेट्रिस्ट को भी हो सकती है, साइकोलॉजिस्ट को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। और इतनी कॉमन है कि कई बार इसको साइकेट्री का जुकाम कहा गया है। जैसे जुकाम कभी भी किसी को हो सकता है, वैसे डिप्रेशन भी कभी भी किसी को हो सकता है। अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं अपने अंदर, किसी फैमिली मेम्बर के अंदर, उसको इग्नोर मत करिए। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे पास में कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट ज़रूर होगा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। और आमतौर पर साइकेट्रिस्ट MBBS MD करके, जिसने MD कर रखी है, वो ठीक ही होता है, अच्छा ही होता है। आप अपने नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाइए या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपना इलाज शुरू करवाइए। धन्यवाद, शुक्रिया।